खाली। दोस्तों महाबली द ग्रेट खली जिन्होंने WWE में अपना डेब्यू करने के बाद से ही जैसे तूफान ला दिया था, जिनसे अच्छे अच्छे रेसलर्स भी खौफ खाने लगे थे। लेकिन WWE से पहले भी महाबली खली ने 5 से 6 साल रेसलिंग की है और वो वाला खली WWE के खली से कहीं ज्यादा खतरनाक था। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे महाबली खली के 15 ऐसे बेहतरीन मूव्स के बारे में जो उन्होंने आज तक WWE के रिंग में तो कभी भी यूज नहीं किए हैं। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कौन से थे ये 15 बेहतरीन मूव्स। दोस्तों नंबर 15 पर आता है गोरिल्ला प्रेस स्लैम। इस मूव को परफॉर्म करने के लिए काफी ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत होती है और महाबली खली अपने पहले के टाइम पे इस मूव को आसानी से परफॉर्म कर लिया करते थे और जितनी द ग्रेट खली सर की हाइट है उसके हिसाब से ये मूव उनके अपोनेंट के लिए काफी खतरनाक था। नंबर 14 पर आता है स्टोमक चॉक स्लैम। दोस्तों गर्दन पकड़ के चॉक स्लैम लगाना थोड़ा इजी होता है, लेकिन वहीं स्टोमक पकड़ के चॉक स्लैम लगाना बहुत टफ। नंबर 13 पर आता है फुल नेल्सन सिट आउट एटॉमिक ड्रॉप। नंबर 12 पर आता है रिलीज डबल अंडरहुक सुप्लेक्स। इस मूव को परफॉर्म करने के लिए भी काफी ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत पड़ती है। नंबर 11 पर आता है क्रॉस लेग्ड एंगल पिक। ये महाबली खली के द्वारा लगाए जाने वाला पहला सबमिशन मूव था उनके करियर में। नंबर 10 पर आता है बियर हग बेली टू बेली सुप्लेक्स, जिसमें द ग्रेट खली सर पहले तो अपने अपोनेंट्स को जकड़ लिया करते थे लॉक में और फिर बेली टू बेली सुप्लेक्स लगा दिया करते थे। नंबर 9 पर आता है क्रूसिफिक्स स्टाइल स्टन गन। दोस्तों नंबर 8 पर जो मूव है उसका नाम है स्टैंडिंग स्पाइन बस्टर। नंबर 7 पर आता है बैली टू बैक सुप्लेक्स। नंबर 6 पर आता है पावर बॉम्ब। दोस्तों जैसा कि द ग्रेट खली सर की हाइट 7 फीट है और इसी वजह से उनके लिए पावर बॉम्ब लगाना बहुत टफ है, लेकिन NJPW के टाइम पे और जब वो जापान में रेसलिंग किया करते थे तब वो इस मूव को आसानी से परफॉर्म कर लेते थे। नंबर 5 पर आता है फुल नेल्सन स्लैम, जो कि आज के टाइम पे द मॉडर्न डे महाराजा जिंदर महल का फिनिशर है। नंबर 4 पर आता है समोन ड्रॉप, जिस मूव को आपने रोमन रिंग्स को कई बार यूज करते हुए देखा होगा। नंबर 2 पर आता है सिट आउट चॉक बॉम्ब। दोस्तों ये मूव एकदम स्काई हाई की तरह है, लेकिन यहाँ महाबली खली सर इस मूव को खली बॉम्ब की तरह परफॉर्म करते हैं। इस मूव में और खली बॉम्ब में इतना सा डिफरेंस है कि खली बॉम्ब में द ग्रेट खली सर बैठते नहीं है, जबकि इस मूव को वो स्काई हाई की तरह परफॉर्म किया करते थे। नंबर 2 पर आता है ओवर द शोल्डर कटर, जो कि आज के टाइम पे द न्यू डे के टीम मेंबर बिग ई का फिनिशर है, जिसे बिग एंडिंग भी कहा जाता है। नंबर 1 पर आता है फॉल अवे स्लैम, जिसे आज के टाइम पे आपने द वीर इंडियन वॉरियर महाबली शिरा को इंपैक्ट रेसलिंग में कई बार इस्तेमाल करते हुए देखा होगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में था इतना ही। पसंद आए तो लाइक कमेंट और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। बिलीव इन गॉड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।